हेलो दोस्तों, रोजगारिंद में आपका स्वागत है। मैं हूं रिजवान। और दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है, बहुत बड़ी खुशखबरी भी है उन सभी जॉब सीकर्स के लिए जो हिंदुस्तान के कोने कोने से दिल्ली में जॉब करने आते थे और फिलहाल लॉकडाउन की वजह से यहां पे जॉब ना होने की वजह से छोड़ के चले गए थे दिल्ली। तो इस टाइम पे केजरीवाल जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात के लिए ऐलान किया है कि जो भी लोग बाहर गए हैं उनको वापस बुलाने के लिए हम तैयार हैं और जितनी भी कंपनीज बंद हो गई थी उनको फिर से रिस्टार्ट किया जाए, इसलिए कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था जो है बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। इसके बाद सभी बिजनेसमैन से, सभी कंपनीज से रिक्वेस्ट करके उनको बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए कहा गया है। और जितने भी यहाँ पे लेबर काम करते थे प्लस जो भी जॉब कर रहे थे किसी भी प्रोफाइल में, वो छोड़ के अगर चले गए थे तो उनको वापस बुलाने के लिए पूरी तरीके से तैयारी की जा चुकी है। इसी बीच में आपके लिए एक सुविधा मुहैया कराई है दिल्ली गवर्नमेंट ने कि अगर आप अपने घर पे हैं, किसी भी जगह हैं, तो आपके लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने एक वेबसाइट बनाई है। वेबसाइट पे आप जाके अप्लाई कर सकते हैं और ये केवल जॉब सीकर्स के लिए नहीं, ये एम्प्लॉयर्स के लिए भी है। मीन्स कि जो कंपनीज़ में लोग काम करते थे वहाँ से लोग छोड़ छोड़ के चले गए थे, अब वहाँ पे मैन पावर की ज़रूरत है। तो अब मैन पावर कहाँ से आए, क्योंकि मैन पावर दिल्ली में बाहर के लोगों के थ्रू ही आता था। मीन्स कि यूपी और बिहार से सबसे ज़्यादा मैन पावर दिल्ली में मौजूद था, लेकिन इस टाइम पे कंपनीज़ परेशान हैं कि अपनी कंपनी को स्टार्ट नहीं कर पा रही हैं मैन पावर न होने की वजह से। तो अब इस केस पे दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या किया है कि वेबसाइट लॉन्च की है। उस वेबसाइट पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आप जॉब सीकर्स हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप एम्प्लॉयर हैं तो आप मैन पावर की डिमांड भी कर सकते हैं। मीन्स कि आप वहाँ पे अपनी जॉब पोस्टिंग कर सकते हैं, जिससे जो जॉब सीकर्स होंगे वो जॉब सर्च करके आपको एप्लीकेशन सेंड करेंगे। जॉब एप्लीकेशन सेंड किस तरह करना है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में आगे बताऊंगा। दिल्ली में अभी जैसे कि आपको पता है कि रिकवरी रेट जो है 88% पहुंच चुका है और स्टेट से बहुत ही ज़्यादा बेहतर हालात हो चुके हैं दिल्ली के। पूरे हिंदुस्तान में ये बात पता है कि सबसे ज़्यादा केस अगर कहीं थे तो महाराष्ट्र में थे और महाराष्ट्र के बाद दूसरा नंबर आता था दिल्ली का। अब उसी दिल्ली ने अपनी रिकवरी रेट को बढ़ाते हुए, मीन्स कि अपने हालात को सुधारते हुए, जो लेवल है उनका दिल्ली का 8वें नंबर से 10वें नंबर पे पहुंच चुका है। जो दूसरे नंबर था आज 10वें नंबर पे पहुंच चुका है और वहीं पे जो रिकवरी रेट है 88% पहुंच चुका है। जो एक्टिव केसेस हैं वो भी 8 से 9% बचे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि दिल्ली के हालात अब सीधे वापस आने चालू हो गए हैं। मीन्स की अर्थव्यवस्था में सुधार आना चालू हो चुका है। इस तरह से वहाँ पे आप जाके गवर्नमेंट की साइट में अप्लाई करें और अप्लाई कैसे करना है वो भी आप पूरा वीडियो देखें, जिस पे आपको रजिस्टर करना होगा, लॉगिन करना होगा, एप्लीकेशन भेजना होगा, जिसमें व्हाट्सएप नंबर पे भी व्हाट्सएप कर सकेंगे, आप ईमेल भेज सकेंगे। वो सारी चीज़ें आप वो वीडियो में देखिए कि आपको कैसे अप्लाई करना होगा। नमस्कार। दिल्ली की 2 करोड़ जनता जिस तरीके से एकजुट होकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है वो आज देश के लिए एक मिसाल है। वैसे ही अब हमें धीरे धीरे दिल्ली की अर्थव्यवस्था को भी वापस खड़ा करना है। लॉकडाउन में सब कुछ बंद था, काफी लोगों का रोजगार भी चला गया। अब हमें मिलके लोगों के लिए रोजगार का बंदोबस्त करना है। अब अनलॉकिंग के बाद जब बिजनेस खुलने लगे हैं उन्हें काम करने वालों की तलाश है। दिल्ली में नौकरी ढूंढने वाले और नौकरी देने वाले दोनों मौजूद हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने रोजगार बाजार नाम से मुहिम की शुरुआत की है, जिसके जरिए बेहद आसानी से आप अपनी पसंद की नौकरी और व्यापारी अपने पसंद के कर्मचारी पा सकते हैं। इसके लिए दिल्ली सरकार ने एक वेबसाइट तैयार की है, jobs.delhi.gov.in। इस वेबसाइट पे जाके आप अपनी डिटेल्स रजिस्टर कर सकते हैं। इसकी प्रक्रिया बेहद आसान है। सबसे पहले आप jobs.delhi.gov.in वेबसाइट पर जाएं। यहाँ आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं, तो मुझे नौकरी चाहिए ऑप्शन को चुनें। अगर आप कर्मचारी की तलाश में हैं, तो मुझे स्टाफ चाहिए ऑप्शन को चुनें। अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए अपना 10 अंकों का मोबाइल नंबर डालें। आपके मोबाइल नंबर पर SMS के जरिए OTP नंबर आएगा, इसे आप OTP स्क्रीन पर डालें।
अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो अपनी पसंद की जॉब कैटेगरी चुनें और फॉर्म में मांगी गई जानकारी भरकर अपना प्रोफाइल बनाएं। अब आपके द्वारा दी गई जानकारियों से मैच करती हुई जो भी पोस्टेड जॉब होगी वो यहां आ जाएगी। अपनी पसंद की नौकरी पर क्लिक करें और एम्प्लॉयर से कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से कनेक्ट करें। आप जिस भी एम्प्लॉयर से कनेक्ट करेंगे वो आपकी एप्लीकेशन की लिस्ट में आ जाएगा। माई प्रोफाइल पेज द्वारा आप अपनी प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं और लॉग आउट भी कर सकते हैं। अगर आप कर्मचारी ढूंढ रहे हैं तो पहले नौकरी से जुड़ी सारी जानकारी दें और अपनी कंपनी के बारे में बताएं। आपके द्वारा पोस्ट किए गए सभी रोजगार के अवसर माई जॉब्स में दिख जाएंगे। जब भी कोई नौकरी का इच्छुक व्यक्ति आपकी जॉब पोस्ट पर अप्लाई करेगा तो आपको वो माई जॉब्स में दिख जाएगा। और इस तरह से रोजगार बाजार वेबसाइट पे जाके आप नौकरी भी ढूंढ सकते हैं और कर्मचारी भी ढूंढ सकते हैं। तो देखा कि आपने एप्लीकेशन किस तरह से भेजना है। आप जल्दी से जल्दी एप्लीकेशन भेजना चालू कर दीजिए। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला हो सकता है, इसलिए कि कंपनीज की जो रिक्वायरमेंट होती हैं जैसे ही फुलफिल हो जाएंगी फिर आपके एप्लीकेशन भेजने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर कंपनी की क्वांटिटी होती है रिक्वायरमेंट में, अगर 100 की क्वांटिटी है और 100 एप्लीकेशन जा चुके हैं तो उसमें से ही शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी, फ़िल्टर हो जाएगा और लोगों को बुलाना चालू कर दिया जाएगा। हालांकि यहाँ पे मैन पावर जो है ज़्यादा से ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होगी, इसलिए कंस्ट्रक्शन जो वर्कर होते हैं उस पर सबसे ज़्यादा लोग काम करते हैं यहाँ पे, और बाकी जो हाई प्रोफाइल के लोग होते हैं उनकी भी डिमांड होती है। दिल्ली में भी बहुत सारे इस तरह के लोग हैं जो बेरोजगार बैठे हैं, उनको भी रिक्वायरमेंट है, अभी जॉब की ज़रूरत है। तो जितने भी कंपनीज हैं वो भी अपनी पोस्टिंग कर सकती हैं जॉब की, और जो जॉब सीकर्स बैठे हैं वहाँ पर जाके अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ का खतरा कम होगा आपको कि जो बाहर से फ्रॉड एजेंट्स आपको कॉल करते हैं और जॉब के नाम पे आपसे ठगी कर लेते हैं, उन लोगों से बचने का मौका मिल जाएगा। दिल्ली गवर्नमेंट की ट्रस्टेड साइट है, जेन्युइन साइट है, इस पर जाके आप अगर अप्लाई करते हैं तो आपको किसी भी तरीके की धोखाधड़ी या किसी तरीके के पेमेंट का फ्रॉड आपको एटलीस्ट नहीं होगा, और ना ही वहाँ पे आपको कोई पेमेंट डिपॉजिट करनी है। और वहाँ से लेकिन अगर कोई कंपनी को आप रिक्वेस्ट भेजते हैं और वहाँ से कॉल आती है आपको एप्लीकेशन भेजने के बाद कि आप का रिज्यूम शॉर्टलिस्ट हो गया है, अब आप इतना पैसा डिपॉजिट कर दे, अमाउंट डिपॉजिट कर दे, तो मेक श्योर आपको पैसे डिपॉजिट नहीं करना है। इसलिए कोई भी जेन्युइन कंपनी कभी भी पैसे डिपॉजिट करने के लिए नहीं बोलती। अगर पैसे डिपॉजिट करने के लिए बोलती है तो आप समझ लें कि वो कंपनी आपके साथ भी ठगी कर सकती है। और जो वेबसाइट लॉन्च की है आप देख सकते हैं, वेबसाइट jobs.delhi.gov.in। इस वेबसाइट पर जाके आप अपना रिज्यूम अपलोड करें, एप्लीकेशन भेजें। जो जॉब सीकर्स हैं, एम्प्लॉयर्स हैं, दोनों अपनी अपनी जॉब पोस्टिंग कर सकते हैं और रिज्यूम भी पोस्ट कर सकते हैं। और बाकी जो मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, अगर कंपनी इसको मैन पावर की रिक्वायरमेंट है तो हमारा नीचे नंबर दिया हुआ है, हमारे नंबर पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारी डेडिकेटेड टीम आपको रिस्पॉन्स करेगी और जिस तरह से भी आपको मैन पावर की ज़रूरत होगी तो हमारी टीम आपको प्रोवाइड करेगी। आप नंबर पर कॉन्टेक्ट करके और कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। बाकी अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उस पर भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, हम आपको वहीं पर रिप्लाई देंगे। तो चलिए मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें अपना, टेक केयर।